हेलो फ्रेंड, वेलकम टू निजुक्ति ओडिशा यूट्यूब चैनल। ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन तरफ ग्रुप बी पोस्ट रो वैकेंसी बाहिछि। एही पोस्ट को अप्लाई करिया पई कोन कोन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहिछि, एही पोस्ट को आपण केबेठो अप्लाई करि परिबे, सिलेक्शन प्रोसीजर कोन रहिबो, एही विषय रे म आपण डिटेल्स रे कहिबी। ता पूर्व जदि आपण एही चैनल रे नुवा अछथि, एही चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु आ बेल आइकन प्रेस करबा को बोलंतु ना। चलंतु एही पोस्ट विषय रे आपण डिटेल्स रे जानिबा। फ्रेंड ये देखते ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन ऑफिसर ऑफिसर रही है। ऑफिसर ऑफिसर आसला आपको व्हाट्स न्यूज सेक्शन आप शो को 14 तारीख में आपको नोटिस आसी डिटेल एडवर्टाइजमेंट फॉर कंबाइंड टेक्निकल सर्विस रिक्वायरमेंट कमिशन सीटीआर एसआरई पोस्ट आप रही है। व्यू पीडीएफ आप क्लिक करेंगे, क्लिक कला पीडीएफ आप डाउनलोड हो कंबाइंड टेक्निकल सर्विस रिक्वायरमेंट कमिशन सीटीएसआरई 2024 ग्रुप बी पोस्ट ऑफ वैकेंसी रही। जो पोस्ट ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हम 2/4/2024 स्टार्ट हम। लास्ट डेट रही है रजिस्ट्रेशन 1/5/2024 रही। फॉर्म सबसे लास्ट रहा 4/5/2024 रहा। ऑनलाइन अप्लाई जो करते टाइम आपने किसी भूल भाग करते एड करने डेट दी 7/5/2024 रोज जब यार ऑनलाइन लिंक एक्टिव हो चैनल आपको डिटेल्स वीडियो मिल जाए कमी आप पोस्ट को स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करेंगे। जूनियर इंजीनियर सिविल आप 365 पोस्ट वैकेंसी, वुमेन्स 122 पोस्ट रिजर्व रही। ग्रुप बी पोस्ट रोज लेवल 9 आप पे मैट्रिक्स आप र सेम आप जूनियर इंजीनियर सिविल डायरेक्टर ऑफ फिशरीज ओडिशा कटक रे आप 15 पोस्ट वैकेंसी रही। वुमेन्स मानों पर 5 पोस्ट रिजर्व रही। ग्रुप बी पोस्ट पे लेवल आप सेम रही। जूनियर मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर पर गोटे पोस्ट वैकेंसी रही। ग्रुप बी पोस्ट रही है वुमेन्स गोटे आप रिजर्व रही। आप कैटेगरी आप वैकेंसी आप चेकआउट करेंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दरकार पोस्ट को अप्लाई करने। जूनियर इंजीनियर सिविल अंडर द इंजीनियरिंग चीफ पब्लिक हेल्थ ओडिशा भुवनेश्वर जो मैंने अप्लाई करेंगे पाखे एजुकेशन क्वालिफिकेशन थवा दरकार। सी ही मस्ट पोजेस ए डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग और एन इक्वली क्वालिफिकेशन फॉर एन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द ओडिशा काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। जो मैंने जूनियर सिविल अप्लाई करेंगे डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग आपंकर दरकार। जूनियर इंजीनियर सिविल अंडर द डायरेक्टर ऑफ फिशरीज ओडिशा कटक सेम आप क्वालिफिकेशन रखा है। डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग आपते आप जूनियर इंजीनियर सिविल अप्लाई करेंगे। जूनियर मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर जो मैंने अप्लाई करेंगे सी ही मस्ट पोजेस ए डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग 3-year कोर्स और डिप्लोमा इन मेकानिकल इंजीनियरिंग 3-year कोर्स अवार्डेड बाय स्टेट काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन और सच अदर कोर्स डिक्लेयर्ड इक्विवेलेंट टू आइदर ऑफ द अबव डिसिप्लिन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट। आपड़ी डिप्लोमा ऑटोमोबाइल कहते 3 वर्ष कोर्स करते ना आप डिप्लोमा इन मेकानिकल इंजीनियरिंग करते आप जूनियर मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर पोस्ट अप्लाई करेंगे। हायर क्वालिफिकेशन आपड़ा किसी रही आप हायर क्वालिफिकेशन रही आप ग्रेजुएट अच्छा इंजीनियरिंग ग्रेजुएट अच्छा मेकानिकल कि ऑटोमोबाइल आप पोस्ट को अप्लाई करेंगे। द कैंडिडेट मस्ट हैव ए ड्राइविंग लाइसेंस ऑथराइजिंग हिम हर टू ड्राइव मोटरसाइकिल एंड ट्रांसपोर्ट व्हीकल। आप ड्राइविंग लाइसेंस आप दरकार आप मोटरसाइकिल और ट्रांसपोर्ट व्हीकल आप ड्राइविंग लाइसेंस थवा दरकार। मस्ट हैव एडिक्वेट नॉलेज इन कंप्यूटर एप्लीकेशन आप कंप्यूटर एप्लीकेशन आप नॉलेज थवा दरकार। एज लिमिट रखाई है यू पोस्ट को अप्लाई करने 21-38 वर्ष एज लिमिट रखा है। एज लिमिट काउंट कर 1/1/2024 एज लिमिट आप काउंट कर एससीबीसी एससी एसटी वुमेन्स कैंडिडेट होते हैं आपको 5 वर्ष एजुलेसन मिल जाए। पीरियड कैटेगरी होते हैं 10 वर्ष एजुलेसन मिल जाए। आप जन्म होता दरकार 2 जनवरी 1986 1 जनवरी 2003 भाई जन्म होता दरकार। आउ जहाँ जहाँ अदर एलिजिबिलिटी कंडीशन रही है आप भल भाव चेकआउट करेंगे। ये जो पीडीएफ देखते पीडीएफ आप इनिजुक्ति .in/site विजिट कर डाउनलोड करें ना आप ओएसएस ऑफिशियल वेबसाइट जाइए आप पीडीएफ डाउनलोड कर भल रिड आउट करेंगे। आप सिलेक्शन प्रोसेस तीन टा स्टेज आप सिलेक्शन कर फास्ट आप प्रिलिमिनरी रोज सेकंड रोज मेरिट नेगोशिएशन रोज थर्ड आप सर्टिफिकेशन पर आपको जॉइनिंग दिया। स्टेज वन में आपको रहा है प्रिलिमिनरी वन पेपर आप 150 मार्क आप एग्जाम कर 150 मिनट आप टाइम ड्यूरेसन दिया जाए। एमसीक्यू टाइप आप ओएमआर बेस्ट ना आप ओएमआर बेस्ट आप सीबीआई मोड में पारे आप नेगेटिव मार्किंग रही है। गोटे क्वेश्चन भूल कले आपको 0.25 मार्क आप डिडक्ट कर प्रिलिमिनरी आप जो क्वेश्चन आसो एथमेटिक टेंशन आप क्वेश्चन आसो डाटा इंटरप्रिटेशन आसो लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी आप क्वेश्चन आसो करेंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपोर्टेंस आप क्वेश्चन आसो एथिर आप प्रिलिमिनरी आप क्वेश्चन आसो रहा आप मेन इंडियन एग्जामिनेशन मेन इंडियन एग्जामिनेशन जो मैंने आसे मिनिमम 5 टाइम्स नंबर वैकेंसी कैटेगरी वाइज शैल बी शॉर्टलिस्टेड द मेन इंडियन एग्जामिनेशन। जो मैंने प्रिलिमिनरी क्वालिफाई करेंगे जब तरह वैकेंसी है तरह 5 टाइम्स पिल्स तरह 5 टाइम्स पिला मेन इंडियन एग्जामिनेशन आपको डक स्टेज टू आप टेक्निकल पेपर रोज 200 मार्क आप एग्जाम 3 घंटा आप टाइम ड्यूरेसन दिया।
ତାପରେ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍। ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଏନିଂ ଦିଆଯିବ। ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗେ ନେଇକି ଯିବେ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣ ଦେଇଛି, ଆପଣ ଚେକ୍ ଆଉଟ୍ କରିପାରିବେ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଅନଲାଇନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଫଲୋ କରିବେ, ହାଉ ଟୁ ଆପ୍ଲାଏ ଆପଣ ଦେଇଛି, ଯେବେ ଆର ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ ଲିଙ୍କ୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଇଯିବ, ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ ମିଳିଯିବ, କେମିତି ଆପଣ ଏହି ପୋଷ୍ଟକୁ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଡିଟେଲ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ ମିଳିଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ଏବେ ଯାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣ ସିଲାବସ୍ ଦେଇଦେଇଛି, ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, ଆପଣ ସିଲାବସ୍ ଦେଇଛି, ଆପଣ ସିଲାବସ୍ ଆପଣ ଚେକ୍ ଆଉଟ୍ କରିପାରିବେ, PDF ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରି ଭଲ ଭାବରେ ରିଡ୍ ଆଉଟ୍ କରିପାରିବେ। ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ତରଫରୁ କମ୍ବାଇଣ୍ଡ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି କମିଶନ CTSRE 2024 ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସରେ କହିସାରିଛି। ଯଦି ଆପଣ ମନରେ କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି, କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ପଚାରନ୍ତୁ। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଧନ୍ୟବାଦ।